Assalamualaikum little learners, I'm Nabila Bashir and I welcome you to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, इस वीडियो में हम गोहर ग्रेस इंग्लिश नर्सरी 4 प्लस का पेज नंबर 14 और 15 करने वाले हैं और उसमें हम सीखेंगे एक न्यू लेटर और उस न्यू लेटर का नेम है लेटर ई. दैट्स राइट, क्योंकि हम पहले से लेटर ए बी सी और डी पढ़ चुके हैं और आज हम सीखेंगे लेटर ई के बारे में. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए सीखते हैं नेक्स्ट लेटर के बारे में. ये है हमारा लेटर ई यानी लेटर नेम और ये है उसका साउंड यानी स्मॉल लेटर. क्या नेम है इस लेटर का? लेटर ई. लेटर ई. और ये क्या है? ये है स्मॉल ई और इसका साउंड होता है यानी क्विक साउंड बनाना है आपने. अब हम देखेंगे इस पिक्चर में ई से कौन कौन से वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं. सबसे पहले क्या है? एग. ए ए एग. ए एग. ठीक है. और एग का कलर क्या है? वाइट. और एग यहाँ पे काफी कंफ्यूज लग रहा है. नेक्स्ट देखें पिक्चर में क्या है? एलिफेंट. क्या है ये? एलिफेंट. इसको आपने एलिफेंट नहीं कहना, ये है एलिफेंट. एलिफेंट क्विकली बोलना है. और एलिफेंट का कलर क्या है? ग्रे. और एलिफेंट के साथ ये क्या है? ओहो, मुझे तो इसका नेम नहीं आता. क्या आपको इसका नेम आता है? गेस करें. ये है अर्थवर्म. क्या है ये? अर्थवर्म. ये छोटे छोटे से कीड़े होते हैं जो जमीन से निकलते हैं. ठीक है. और इसको बोलते कैसे हैं? इसको आपने अर्थ वर्म नहीं कहना. आर जो है यहाँ पे सॉफ्ट यानी साइलेंट है. अर्थ वर्म. वर्म. अर्थ वर्म. ओके. सो यहाँ पे ई अपने नेम के साथ आ रहा है यानी यहाँ पे ई का साउंड नहीं है. जैसे एग में और एलिफेंट में है, यहाँ पे वो साउंड नहीं है. ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना. ट्रेस द लेटर विद योर फिंगर. चलें जी, इस लेटर को हम ट्रेस करेंगे. शो मी योर टू फिंगर्स. मेक अ स्ट्रेट लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, अनदर स्लीपिंग लाइन एंड थर्ड स्लीपिंग लाइन. इस तरह से हमारा लेटर ई कंप्लीट हो जाएगा. अब हम बनाने वाले हैं स्मॉल ई. आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है और आपने आई बनानी है और उसके बाद कर्व लाइन और थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, तो ये स्मॉल ई बन जाएगा. टीचर्स नोट, रिपीट द करेक्ट प्रोनंसिएशन ऑफ वर्ड्स दैट चिल्ड्रन मे हैव मिसप्रनाउंस विदाउट टेलिंग देम दैट दे वर इनकरेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, In British English, the pronunciation of earthworm is earthworm, where R is silent. ये पेज नंबर 15 और इस पे हम करेंगे लेटर ई की ट्रेसिंग और इससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज भी करेंगे. सबसे पहले है ट्रेस द लेटर ई एप. तो ये देखिए, हम सबसे पहले लेटर ई यानी कैपिटल ई को ट्रेस करेंगे और उसके बाद हम स्मॉल ई यानी उसका जो स्मॉल लेटर होता है उसको ट्रेस करेंगे. तो सबसे पहले हमने क्या करना है? Make a straight line and then a sleeping line, another sleeping line and the third sleeping line. इस तरह से हमारा capital E बन जाएगा और आपने बाकी letters को भी dots को join करते हुए trace कर लेना है. और अब हम करेंगे small E को. आपने इस dot पे pencil रखनी है और क्या करना है? ऊपर लेके जाना है, curve बनाना है, I बनाना है और curve से थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है. तो ये बन जाएगा हमारा स्मॉल ई और बाकी स्मॉल ई की ट्रेसिंग आपने खुद से कर लेनी है. और अब हमारे पास है एक एक्टिविटी. टिक द पिक्चर्स दैट बिगिन विद द लेटर ई. यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं लेकिन आपने सिर्फ उन्हीं पिक्चर्स को टिक करना है जो लेटर ई से स्टार्ट हो रही हैं. ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है? ये तो सबको पता है, ये है एलिफेंट. तो हम इसको टिक करेंगे, है ना. उसके बाद है एंट. तो क्या हम एंट को टिक करने वाले हैं? क्योंकि एंट स्टार्ट होता है ए से यानी लेटर ए से. उसके बाद ये क्या है? एग. दैट्स राइट. तो एग का इनिशियल साउंड क्या है? ए यानी लेटर ई से स्टार्ट हो रहा है, इसको भी हम टिक कर देंगे. ये क्या है? खप. तो खप लेटर ई से स्टार्ट हो रहा है? नो. और ये क्या है? अर्थवर्म. तो अर्थवर्म ऑलरेडी टिक हुआ है.
ठीक है, इस तरह से आपने इस पेज को कंप्लीट कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था लेटर ई। हमने इसका नेम, इसका साउंड और इससे बनने वाले कुछ वर्ड्स सीखे हैं और इसकी ट्रेसिंग भी की थी और इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी भी की है। अब आपने क्या करना है, आपने इस पेज को किसी की हेल्प से कंप्लीट कर लेना है और आपने वो वर्ड सर्च करने हैं जो लेटर ई से बनते हैं, यानी इन वर्ड्स के अलावा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।